वेलकम टू मैथ यूनिवर्स। इसमें हम जानेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबस्टेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, एक सर्कल है, और एक कोड है, ठीक है, ए बी, जो सेंटर पे एंगल सबस्टेंड कर रहा है 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री, और इसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। ओके, तो मुझे निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो मुझे इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, ए पी बी ले लेते हैं, ए पी बी, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ए पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए पी। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे तो मेरा निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ निकाल लेंगे साइड में, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना है, 120 डिग्री, 360 इंटू पाई, क्वेश्चन में मुझे पुट करना है 3.14, और आर कितना है, 12 इंटू 12 लिखेंगे, आर स्क्वायर है, अब इसे हम कैंसिल करेंगे तो आएगा 3.14 इंटू 4 इंटू 12 48। ठीक है, आएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा जो आया, ये एरिया ऑफ सेक्टर है। ठीक है, एक और चीज़ चाहिए मुझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस ए बी इंटू अल्टीट्यूड ले लेते हैं, ओ एम, ठीक है, अल्टीट्यूड है तो इसलिए ये बराबर ये होगा, और ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ए बी और इंटू ओ एम। ओके, तो मुझे यहाँ पर निकालना होगा, ए बी और ओ एम दोनों निकालना होगा। तो पहले हम ए बी निकालेंगे, ये वाला ए एम निकालेंगे तो मेरा ए बी भी निकल जाएगा, ए एम का डबल हो जाएगा। तो पहले ए एम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हम रेशियो का यूज करेंगे, साइन 60 डिग्री का। ठीक है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, पी बाई एच, ए एम बाई ओ ए, ठीक है, साइन 60 डिग्री रूट 3/2, और ए एम और ओ ए कितना है, 12 है, 6 बार में, एम कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर, लेकिन चाहिए कितना, ए बी चाहिए मुझे, ए बी हो जाएगा डबल, ए बी, इज इक्वल टू 2 × AM। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू 2 × 6√3, यानी कि 12√3। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे ए बी की जगह पे 12√3। एक और चीज़ चाहिए, ओ एम चाहिए मुझे, ओ एम भी निकाल लेंगे यहाँ, मुझे ओ एम निकालना है, तो यहाँ पर टेन 60 डिग्री लेंगे, पी बाई बी। ठीक है, टेन 60 डिग्री, इज इक्वल टू पी बाई बी, यानी ए एम बाई ओ एम, टेन 60 डिग्री √3, ए एम कितना है, ए एम यहाँ पर है 6√3, 6√3 बाई ओ एम। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ओ एम आ जाएगा आपको, और ओ एम आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ओ एम इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 बार में होगा,
यानी कि आएगा आपको 36√3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी। इसे हम डेसिमल में कर देते हैं क्योंकि आंसर है मेरा डेसिमल में, तो इसे डेसिमल में करेंगे। रूट थ्री की जगह पे हमें पुट करना 1.73, ठीक है। तो 36 × 1.73 इक्वल टू आपको आएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आएगा डेसिमल में। तो यहाँ पर पुट कर देंगे सीधा, यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी भी निकालना है, ये वाला मुझे निकालना है इसका एरिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, इतना दिया है मेरा, ठीक है। तो इतना हम यहाँ पे लिख देंगे 0.72, ठीक है। और माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये माइनस करना है 62.28, ओके। माइनस करेंगे तो मेरा आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था मेरा 7, ओके।